देख रहे हैं हमारा राजस्थान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। IERDA और बीमा कंपनियों के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट की तरफ से एक आयोजन रखा गया, जिसमें बताया गया कि कैसे IERDA और बीमा कंपनी उपभोक्ताओं से छल कर रही हैं और झूठे वादे का दिलासा दिलाकर उपभोक्ताओं को लुभा रही हैं। इसको लेकर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट की तरफ से उपभोक्ता जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि IERDA जो है वो 2019 जो है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से ला रही है। इसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ को वो बेनिफिट देना चाहती है और प्राइवेट प्लेयर्स को वो मार्केट में आगे बढ़ाना चाहती है। और एक जो कंज्यूमर का राइट है, क्योंकि सर्वेयर जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, जो क्योंकि दोनों के राइट्स का ध्यान रख सके। लेकिन अभी क्या है कि सेल्फ सर्वे और इन हाउस सर्वे को बीच में ला के इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फायदे को अपने पास रखना चाहती है। बहुत ही दुख होगा कि IERDA जो कि एक वाइट एलिफेंट के रूप में काम कर रही है, सर्वे कम्युनिटी को टोटली ख़त्म करने पे मादा है। ये वही चीज़ होगी और साबित होगी बाद में कि जैसे डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, CA को CA की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, वकील को वकील की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वकालत कर सकता है, कोई भी डॉक्टरी कर सकता है, कोई भी CA कर सकता है। प्रोफेशनल जितने भी हैं उनको अगर उनकी प्रोफेशनल की डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है तो वो किस तरह का काम आम जनता के साथ करेंगे। कि जो हमारी जो आवाज़ उठाई जा रही है इंश्योरेंस रेगुलेशन 2019, जो कि आम उपभोक्ता के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है, क्योंकि जैसे बीमा बैंकिंग में जो घपले हो रहे हैं और आम आदमियों का विश्वास जो बैंकिंग से ख़त्म होता जा रहा है, वैसा ही विश्वास अब बीमा कंपनियों से उपभोक्ताओं का होने वाला है। अभी जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ड्राफ्ट लागू किया है 2019, जिसमें ऑब्जेक्शंस मांगे हैं 21 तारीख तक, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ये एक मीटिंग बुलाई है।